लाल मिर्ची और डाल दी है बढ़िया से, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको एकदम स्पाइसी बनता है ये कड़ी पत्ता। ओए और ये ऊपर से आ गई, ये क्या डाल रहे भैया? देसी घी। ये मैंगो मटन बन रहा है जो कि यहाँ का काफ़ी स्पेशल आइटम है। ये भाई साहब, मतलब मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, कलर देख लोगे ना तो भैया पानी की बोतल साथ में रख लेना। जब इसे कहते हैं चिकन फ्राई, स्पेशली खाने ही ये आया हूँ, मटन पुलाव। मज़ेदार भाई साहब, खुशबू इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। मैंगो इन्फ्यूज चिकन, चीयर्स। तो भाई हैदराबाद में घूम रहे हो और आज मैं आपको लेकर आया हूँ 1980s मिलिट्री होटल। जी हाँ, यहाँ पे ना इनका मटन पुलाव, चिकन पुलाव और मैंगो इन्फ्यूज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये बना रहे हैं, एकदम टेम्पटिंग, एकदम टेस्टी वाली। एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं अंदर, इंटीरियर तो देखो देखो, साथ में इनकी किचन में चलते हैं कि खाना बन कैसे रहा है। आ जाओ, ये देखो भाई साहब, ये बन रहा है जी चिकन पुलाव। ओ भाई साहब, और हर एक चीज़ ना यहाँ पे एकदम फ्रेश बनाई जा रही है और डेली बनती है, डेली। तो आप देख सकते हो भाई, एकदम परफेक्ट फ्लेवर्स, मज़ेदार खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। और साथ में ये देखो, ये बन रहा है मटन पुलाव, बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये और लोग यहाँ पे आके इसको ज़रूर ट्राई करते हैं। मटन पुलाव एंड चिकन पुलाव, ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पे आके आपको ट्राई करना है, एकदम मज़ेदार चीज़। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो थालियाँ लगती हैं, चिकन 65 थाली वगैरह, वो सब कैसा लगता है। आ जाओ, और यहाँ पर हमारी मैडम बना रही है, क्या बना रहे मैम? मैंगो मटन। मैंगो मटन, ये देखो भाई साहब, ये मैंगो मटन बन रहा है जो कि यहाँ का काफ़ी स्पेशल आइटम है। ये कच्ची अम्बी है और उसके अंदर डाली जाएगी। ये देखो, पहले अच्छे से मटन को बढ़िया से रोस्ट कर लिया है घी वगैरह के अंदर, और इसके अंदर डाल दी है कच्ची अम्बी। कि कभी भी हैदराबाद आओ ना तो भैया अपने को जाना है, कहाँ जाना है? 1980s मिलिट्री होटल। जी हाँ, यहाँ पे आके आपको मिलेगा ये सब चीज़ें। ये बन रहा है चिकन फ्राई जो कि यहाँ का स्पेशल आइटम है। भला आप देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि यहाँ की सिग्नेचर डिशेज है। मटन पुलाव है, चिकन पुलाव है, मैंगो मटन है, यहाँ की चिकन थाली, यहाँ की मटन थाली, और ये इनका बढ़िया सा चिकन फ्राई, पूरा कच्चा चिकन डाल दिया है, प्याज अच्छे से भून के। अब ये इतनी बड़ी कढ़ाई के अंदर बन रहा है, टेस्टिंग में आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा टेस्ट करके, मज़ेदार चीज़ है। ये देखो भाई साहब, ये डाल रही है भाई मिर्ची, और काफ़ी स्पाइसी बनता है ये, एकदम बढ़िया सा चिकन फ्राई। जब ये बन के आएगा ना आपके सामने तो एकदम डार्क ब्लैकिश रंग का होगा, और इसको भी हम टेस्टिंग में लेंगे और बताएंगे आपको टेस्ट कैसा है। देख लो भाई, 6 किलो बन रहा है, एकदम एक साथ 6 किलो चिकन फ्राई, कड़ी पत्ता। ओए, इसे कहते हैं फ्लेवर बढ़िया वाले, मज़ेदार। इनकी यहाँ पे ब्रांचेज है, किसी भी ब्रांच में चले जाओ, सब जगह पे टेस्ट आपको एक नंबर मिलेगा। ये डल रहा क्या है? ये वही लाल मिर्ची, लाल मिर्ची और डाल दी है बढ़िया से, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको एकदम स्पाइसी बनता है ये, भला अगर आप खा सकते हो ना स्पाइसी तभी आप खा पाओगे। ये आ गया भाई इनका स्पेशल गरम मसाला, ये इनका सीक्रेट मसाला है, गरम मसाला। इसके अंदर क्या डलेगा आपको नहीं पता, बट इसके डालने के बाद जो कलर आएगा ना, और ये आ गया धनिया पाउडर। वाह भाई वाह, पहली बार भाई हैदराबाद के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पेशल कि चिकन फ्राई कैसे बनता है। और ये एक्चुअली में ऐसा स्नैक्स है कि पूरे हैदराबाद में बहुत फेमस है। ये आ गया इनका सीक्रेट मसाला, सारे मसाले इनके सीक्रेट ही हैं। अब देख रहे कलर, देख रहे एकदम डार्क हो गया कलर, स्मेल कर सकते हैं कि भाई कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। ये देखो कलर, देखो कलर भाई कलर, इसे कहते हैं चिकन फ्राई बढ़िया वाला, मज़ेदार, अमेजिंग भाई अमेजिंग। एक काम करते हैं भाई, मैं आपको दिखाता हूँ भाई कि ये टेस्ट में कैसा है, एक प्लेट लगवाते हैं और टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको एक्चुअली में टेस्ट कैसा है इसका। ये मटन पुलाव हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और ये ऊपर से आ गई, ये क्या डाल रहे भैया? देसी घी। अरे वाह भाई, देसी घी डाल रहे भाई, एकदम बढ़िया वाला। अब इसको एक बार मिक्स करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा, मतलब देखने में कैसा लग रहा है, देखो। और इसको टेस्ट भी करूँगा भाई, मैं स्पेशली खाने ही ये आया हूँ मटन पुलाव। मज़ेदार भाई साहब, खुशबू इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि आप भी भाई एक बार आपने खा लिया ना, सच में कह रहा हूँ 1980s मिलिट्री होटल आ जाओ और इसको ट्राई करने के लिए। ये चिकन पुलाव भी हमारा रेडी हो चुका है, और इसके ऊपर भी एकदम बढ़िया सी देसी घी आ चुका है। आप ऊपर रोगन देख रहे हो सारा का सारा, ये सब अभी राइस पूरा सोक कर लेगा। अभी देखो ये भाई साहब, मतलब मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, कलर देख लोगे ना
तो भैया पानी की बोतल साथ में रख लेना जब आप इसको टेस्ट करोगे। स्पाइसी एकदम मज़ेदार और एकदम खुशबू वाला, इतना बढ़िया फ्रेगरेंस आ रहा है ना इसके अंदर से कि अगर आप चिकन बिरयानी या मटन पुलाव खाते हो ना तो आप एक बार इसको ट्राई करो भाई। वो चिकन फ्राई इनका जो कि काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, आप देख सकते हो एकदम स्पाइसी है और काफ़ी फ्लेवरफुल है, एकदम बढ़िया वाला चटकारे देने वाला। तो ये देखो भाई साहब, ये थाली लगने जा रही है। अगर आप यहाँ पे आओगे थाली ऑर्डर होगी ना तो ये सब चीज़ें आपको आएगी। ये पहले एक लगा दो भैया, ये पहले ये लगा दो। ये देखो भाई क्या लग रहा है, ये मटन थाली लग रही है। एक्चुअली में यहाँ पे वेज थाली और नॉनवेज थाली, जो वेज थाली होती है वो अनलिमिटेड होती है, आप रिफ़िल करा सकते हो, बट नॉनवेज थाली को रिफ़िल नहीं करा सकते। ये सारी मटन की डिशेज लग रही हैं और चिकन फ्राई भी है इसके अंदर, मटन भी है, फिश भी है, सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। अभी देखो तो ये काफ़ी स्पेशलिटी है और यहाँ पे डिनर में और लंच में लोग स्पेशली थाली ऑर्डर करते हैं, या फिर चिकन पुलाव या मटन पुलाव। बाकी स्टार्टर्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आगे भाई चिकन के सारे आइटम, ऑलमोस्ट कुछ आइटम सिमिलर होते हैं, बाकी सब डिफरेंट होते हैं। ये देखो वाह भी वाह, मीठा भी है, सब कुछ है, बट ये नॉन रिफिल्ड है, ये इसमें रिफिलिंग नहीं होता। क्या है ये? पेपर लेग। ये पेपर लेग भी आ गया इसके अंदर, इसके अंदर भी फिश आ गई है, बट इसके अंदर ग्रेवी में चिकन मिलेगा आपको, बट उसके अंदर आपको ग्रेवी के अंदर मटन मिलेगा, बाकी आइटम ऑलमोस्ट सेम है सारे के सारे। तो भाई खाना पूरा का पूरा आ चुका है, एकदम बढ़िया वाला 90s 80s मिलिट्री होटल। जी हाँ, अब फटाफट आ जाओ, मैं आपको दिखा दो क्या है। ये है भाई इनका मटन पुलाव, चिट्टी मोतियालू मटन पुलाव। जी हाँ, और ये है चिट्टी मोतियालू चिकन पुलाव। ये आ गया भाई इनका मैंगो इन्फ्यूज चिकन लेग, एकदम बढ़िया वाला, एकदम सॉलिड लग रहा भाई देखने में। ये है भाई बेंगलोर का चिकन 65। ये है इनका एकदम सुपर क्रिस्पी चिकन। और साथ में आ गया भाई ये जो मैंने आपको अंदर बनते हुए दिखाया, ये एक्चुअली पता क्या है, ये चिकन फ्राई है जो आपको आता है वगैरह राइस के साथ। ये देखो ये कॉम्बो है पूरा, जिसके साथ आपको ये फ्राई चिकन भी आएगा, और साथ में आप देखो भाई ये नॉनवेज थाली। और ये नॉनवेज थाली ऐसी नहीं है, ये देखो भाई ये ओहो, ये देसी घी अलग से मिलेगा कटोरी में, देसी घी इसको डालने के लिए, और ऊपर से भाई फिश फ्राई, पापड़, हर एक चीज़, और एंड में मीठा पान। तो मतलब पता क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि बंदा अगर यहाँ पे आ रहा है, पैसे खर्च करके आ रहा है, तो उसका पेट भरना चाहिए और नीयत भी भरनी चाहिए, बाद में ये ना बोले कि यार मज़ा नहीं आया, तो एक्चुअली मज़ा आना चाहिए। हैदराबाद आ रहे हो 90s 80s मिलिट्री होटल, आओ किसी भी ब्रांच में चले जाओ, टेस्ट एकदम सेम मिलेगा। अब एक काम करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा। तो एक काम करते हैं भाई, टेस्ट करके बताते हैं आपको कि टेस्ट कैसा है। तो स्टार्ट करें जी। जी चलो भाई, ये देखो भाई सबसे पहले मेरा मटन पुलाव, मैं एक ही के अंदर ना तीनों डाल लेता हूँ। ये देखो ये तो एकदम फ्रेश बनते हुए दिखाया मैंने आपको अंदर, कि आप भी एक बार खाओगे ना बोलोगे यार वाकई में टेस्ट ऐसा है कि कभी भी हैदराबाद आ रहा हो ना तो यहाँ पे आना बनता है बॉस। ये आ गया भाई चिकन वाला बढ़िया सा, ये लो। ओहो कलर देख के शायद आप बोलोगे बहुत स्पाइसी है, और एक्चुअली में स्पाइसी भी है, खाना यहाँ का बहुत स्पाइसी होता है। ये आ गया फ्राई, आप देखो इसके अंदर, इसके अंदर भी अगर निकालोगे तो पूरा का पूरा फ्राई है, चिकन फ्राई इसके अंदर है। देखो ये ओहो चिकन फ्राई एकदम गरम गरम, इसी को खाने में मज़ा आता है एक्चुअली में। मेरी थाली जो सी है ना पूरी की पूरी मैसअप हो चुकी है, बट टेस्ट तो मेरे को करना है ना, कोई नहीं। तो मैडम आप करो ये थाली टेस्ट, मैं करता हूँ ये टेस्ट। सबसे पहले भाई ये टेस्ट करते हैं, आ जाओ इनका मटन पुलाव एकदम बढ़िया जूसी। ये देखो आ हा हा, बहुत गर्म है भाई सीरियसली। ओह क्या फ्लेवर्स है, अच्छा लगा भाई वाकई में, टेस्ट बहुत बढ़िया। और ये देख चिकन फ्राई, ओ भाई साहब दिस इज टू गुड। आपको चिट्टी मोती आलू मटन अच्छा लगा कि चिट्टी मोती आलू चिकन? मुझे मटन, मटन मेरा भी पर्सनली मुझे मटन बहुत पसंद है। ये है भाई मैंगो इन्फ्यूज चिकन, चीयर्स। या पता है इसमें मैंगो पता है कौन सा है, कच्ची अम्बी होती है ना उसका ऊपर लेप लगा रखा है मैरिनेशन के अंदर। जब बाइट लोगे ना तो छोटे छोटे मैंगो के बाइट मेरे को फील हो रहे हैं, और इसका जो फ्लेवर आ रहा है खट्टा
एकदम खट्टे वाला, बहुत सही, टू गुड, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बॉस। अगर आप बेंगलोर जा रहे हो ना तो आपको चिकन 65, मटन 65, फिश 65, आलू 65 भी मिलता है यहाँ पे, पता है। जन्नत में है, जन्नत में। हम एक काम करते हैं भाई, हम करते हैं इसे ख़त्म, इन्जॉय करते हैं सारा फूड, और अगर आपको भी खाना है तो फटाफट आ जाओ 1980s मिलिट्री होटल।